असंध में एक मंच पर आएंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा, विरोधियों को मिलेगा करारा जवाब। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी बेबस नजर आ रही है। बीजेपी के पास चुनाव में प्रदेश के लोगों को बताने के लिए कोई विकास कार्य नहीं है। पिछले कई दिनों से बीजेपी कुमारी सैलजा की कांग्रेस पार्टी से नाराजगी और हरियाणा कांग्रेस में आपसी गुटबाजी बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। भाजपा की ओर से कई दिनों से कुमारी सैलजा को लेकर एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था और यहां तक झूठ फैलाया कि सैलजा 25 सितंबर को भाजपा ज्वाइन कर लेगी। खुद कुमारी सैलजा ने भाजपा को करारा जवाब देते हुए कहा कि वे सच्ची कांग्रेसी है, भाजपा में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब असंध रैली में राहुल गांधी के साथ मंच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा एक मंच पर आएंगे। इससे पूरे प्रदेश में कांग्रेस की एकजुटता का संदेश राहुल गांधी देंगे। इससे भाजपा में अभी से बौखलाहट देखी जा रही है। वहीं बता दें कि बीजेपी ने हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले लोगों में बनी अपनी नाराजगी को दूर करने के लिए अपने सभी स्टार प्रचारकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी और धामी समेत कई प्रचारकों को मैदान में उतार चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी अब अपने बड़े स्टार प्रचारक राहुल गांधी हरियाणा के चुनावी रण में उतार दिए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और विशेष वर्गों से आत्मीय मुलाकात बेहद चर्चा की विषय रही। इससे राहुल गांधी की जमीन से जुड़े जननेता के रूप में भी पहचान स्थापित हुई और भारी संख्या में युवाओं का रुझान उनकी ओर हुआ। हरियाणा में जब वे भारत जोड़ो यात्रा पर आए तो उनसे मिलने के लिए युवाओं में बेताबी देखी गई। राहुल भी दिल खोलकर युवाओं से मिले। इस वजह से अब विधानसभा चुनाव में भी उनकी रैलियां अहम मानी जा रही है, जो इन सीटों पर नए समीकरण गढ़ सकती है।